हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल थर्टी थर्टी। फ्रेंड्स, आज हम रक्षाबंधन के लिए एक बहुत ही अच्छे स्वीट बना रहे हैं। शायद ये यूट्यूब पे फर्स्ट टाइम है जो मैं बना रही हूँ। मैं बना रही हूँ आज चेरी चॉकलेट बॉल, बहुत ही टेस्टी और देखने में एकदम ही टेम्पटिंग। तो आइए बनाने जाते हैं चेरी चॉकलेट बॉल। बहुत ही कम सामग्री के साथ हम आज बनाते हैं चेरी चॉकलेट बॉल, जिसके लिए मैंने लिया है चेरी, शुगर डिप किया हुआ चेरी जो रहता है वही है मैरिनेट किया हुआ चेरी। उसके साथ लेना है हमें 100 ग्राम डार्क चॉकलेट चिप्स, डार्क चॉकलेट चिप्स लिया है मैंने 100 ग्राम। उसके साथ लेना है 50 ग्राम व्हाइट चॉकलेट चिप्स, और आप चिप्स ना मिले तो आप चॉकलेट कंपाउंड भी यूज कर सकते हैं। उसके साथ लेना है हमें 250 ग्राम सिंपल नॉर्मल दुकान में मिलने वाला पनीर। ये मैंने रेडीमेड पनीर ही यूज किया है, बिकॉज रेडीमेड पनीर थोड़ा सा ड्राई रहता है और हमें पनीर से बॉल बनाने हैं, इसीलिए हम ड्राई वाला पनीर, सूखा वाला पनीर ही यूज करते हैं। सबसे पहले हमें चॉकलेट को मेल्ट करना है, इसीलिए मैंने डबल बॉयलर में चॉकलेट को मेल्ट करने के लिए रखेंगे, जिसके लिए मैंने तपेली में पानी रखा है, थोड़ा सा पानी ऐड किया है और उसकी भाप में हम चॉकलेट को मेल्ट करेंगे। इसीलिए एक कांच के बर्तन में व्हाइट चॉकलेट ऐड करती हूँ। 50 ग्राम व्हाइट चॉकलेट चिप्स है जिसे मैंने ऐड कर दिया है, और हमें टेम्परेचर लो रखना है। अभी पानी गर्म एक बार हो जाए उसके बाद हमें टेम्परेचर लो कर देना है। जब तक हमारी चॉकलेट मेल्ट होती है तब तक हम पनीर को स्मूथ कर लेते हैं। पनीर को स्मूथ करने के लिए मिक्सर जार में हम ऐड कर देंगे पनीर, और उसे अच्छे से चला लेंगे ताकि एकदम ही स्मूथ पनीर रेडी हो जाए। एकदम ही स्मूथ पेस्ट हमारा पनीर का जो है वो रेडी हो गया है। आप देख सकते हैं एकदम ही फाइन पनीर रेडी है, एकदम ही क्रीमी होना चाहिए ये पनीर। तब तक हमें इसे चर्न करना है। फ्रेंड्स, ये हमारा चॉकलेट जो है वो मेल्ट हो गया है और एकदम ठंडा भी हो गया है। ठंडे होने के लिए मैंने नीचे कपड़े पे रखा है, बिकॉज हमारा जो कांच का बर्तन है वो टूट ना जाए। बस अभी हल्का सा ठंडा होने के बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे बाकी का पनीर जो हमने स्मूथ किया है वो। फ्रेंड्स, अभी हम ऐड करते हैं हमारा पनीर। मैंने पनीर में व्हाइट चॉकलेट ऐड करने का डिसीजन इसके लिए लिया ताकि हम पनीर के बॉल्स बनाने वाले हैं, और चॉकलेट की वजह से पनीर को एक थिकनेस मिलेगी, एक स्ट्रेंथ मिलेगा ताकि वो थिक हो सके और हार्ड हो सके। बस अभी हमें चॉकलेट और पनीर को मिक्स करना है अच्छे से। इसमें हम मिल्क मेड भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मिल्क मेड की वजह से हमारा जो पनीर है वो थिक नहीं होगा, हार्ड नहीं होगा। बस इसे अच्छे से मिक्स करके इसे अभी हमें चिल करना है। एकदम ही मिक्स करना है चॉकलेट और पनीर को। व्हाइट चॉकलेट है, स्वीटनेस भी उतना ही अच्छे से आ गया है और हार्ड भी उतना ही अच्छे से होगा हमारा पनीर। तो बस इसे हमें एक प्लेट में, एक ठीक से पोर्शन में, मतलब एक सरीखे पोर्शन में निकाल के इसे हम फ्रीजर में फ्रीज करेंगे। हमें एक पोर्शन में एक ही पोर्शन में हमें इसे डिवाइड करना है और इसे हमें चिल करना है।
बस इसे हमें 20 मिनट तक फ्रीजर में फ्रीज करना है, जब तक जो हमारा पनीर का बॉल्स है वो हार्ड ना हो जाए। जब तक हमारा पनीर जो है वो ठंडा होता है, तब तक हम डार्क चॉकलेट को मेल्ट कर लेते हैं। ऐड करेंगे डार्क चॉकलेट के चिप्स और इसे अच्छे से मेल्ट होने देंगे। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं धीरे धीरे मेल्ट होना शुरू हो गया है चॉकलेट। फ्रेंड्स, चॉकलेट में हमेशा टेम्परेचर का बहुत ही ध्यान रखना है। अगर हाई टेम्परेचर पे होगा आपका पानी, तो आपकी चॉकलेट जो है वो जल सकती है, और जल जाएगी एक बार चॉकलेट तो टोटली स्पॉइल हो जाती है। इसीलिए बहुत ही ध्यान रखिए टेम्परेचर का। और मैंने गैस को स्लो कर दिया है और धीरे 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 भाप पे इसे मेल्ट होने देते हैं। मैंने गैस को बंद कर दिया है और धीमी आंच पे, मतलब धीमा टेम्परेचर पे, ऐसे ही हमारा जो चॉकलेट है वो अच्छे से मेल्ट हो रहा है। हमारा पनीर आप देख सकते हैं एकदम ही हार्ड हो गया है। बस इसे हम निकाल के इसके अंदर हम फिल करेंगे चेरी, और वापस इसे बॉल करना है। एकदम स्मूथ बॉल रेडी करना है। और वापस इसे ठंडा होने के लिए रखना है। हर एक बॉल में एक एक चेरी ऐड करके इसे वापस हम लड्डू शेप दे देते हैं। सारे बॉल्स में हमें चेरी भर के ऐसे ही रेडी करना है। सारे बॉल्स रेडी है। अभी इसे हम वापस रखेंगे 20 मिनट के लिए फ्रीजर में, ताकि एकदम ही चिल्ड हो जाए। और इसके ऊपर हम कोट करने वाले हैं चॉकलेट, तो वो चॉकलेट भी इसके ऊपर अच्छे से सेट हो जाए। फ्रेंड्स, हमारी चॉकलेट जो है वो अच्छे से मेल्ट तो हो गई है। डार्क चॉकलेट हमने जो मेल्ट कर ली है, लेकिन उसके ऊपर शाइनिंग लाने के लिए उसके ऊपर एक अच्छा सा शाइनी लेयर आएगा। अगर हम इसके अंदर ऐड करेंगे आधा चम्मच जितना देसी घी। देसी घी ऐड करने से हमारी चॉकलेट पे बहुत ही अच्छा शाइन आता है, और चॉकलेट को आप जितना भी बीट करोगे उतना ही स्मूथ चॉकलेट बनेगा। घी ऐड करके हमें एकदम ही बीट करना है, ताकि अच्छे से हमारी चॉकलेट में बीट हो जाए। आप देख सकते हैं तुरंत ही शाइनिंग में फर्क आ जाता है। अब देख सकते हैं एकदम ही अच्छे से सेट हो गए हैं, एकदम गोल घूम रहे हैं, और लड्डू जो है वो रेडी है। तो बस इसे एक बार स्मूथ करके और वापस डिप करेंगे चॉकलेट में। चॉकलेट में डिप करना है, उसे चॉकलेट से कोट करना है। और फिर फोक की मदद से एक्सेस चॉकलेट जो है वो निकाल के इसे हम सेट करेंगे। हल्का सा आप थपथपाएंगे तो एक्सेस चॉकलेट जो है वो ऊपर से निकल जाएगा, और फिर एक प्लेट में हमें रोल कर देना है।
प्लेट में हमें रखते समय बहुत ही ध्यान रखना है, वो साइड अगर कोट नहीं निकल गया है तो एक बार अच्छे से कोट कर ले वापस। चॉकलेट से कोट करने के बाद इसके ऊपर हम हल्का हल्का पिस्ता का कतरन, जो है स्लाइस किया हुआ पिस्ता है, वो हम रख देंगे। और फ्रेंड ये रेडी है हमारा चेरी चॉकलेट बॉल, बहुत ही अच्छा से रेडी हो गया है। इसे हम भी हम ठंडा करेंगे और एकदम ही अच्छे से चॉकलेट जो है वो सेट हो जाए, उसके बाद इसे हम सर्व करेंगे। तो फ्रेंड्स ठंडे होने के बाद रेडी है हमारी चेरी चॉकलेट बॉल। आप देख सकते हैं अंदर से भी रेड कलर की चेरी, व्हाइट लेयर और ऊपर चॉकलेट का लेयर, बहुत मजा आने वाला है खाने का। फ्रेंड्स मुझे तो बहुत पसंद आया है, लेकिन आप भी मुझे बताइए आपको कैसा लगा। देखते रहिए मेरा चैनल धरतीस रेसिपी, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर क्लिक कीजिए ताकि ऐसे ही मेरी नई नई रेसिपी आप तक जल्द से जल्द पहुंच पाए। थैंक यू।